हाँ जी, तो एक नया टॉपिक पढ़ते हैं अपने। राजस्थान में छतरियां। महल और हवेलियां, तीनों देखते हैं अपने, अलग अलग करके देखते हैं। पहले छतरियां पढ़ेंगे, महल पढ़ेंगे, हवेलियां पढ़ेंगे। पहले अपने छतरियां देखते हैं। मैं अक्सर जब भी छतरियां पढ़ाता हूं, मैं बच्चों को बताता रहता हूं कि हम वास्तव में शमशान घाट पढ़ रहे हैं, छतरियां नहीं पढ़ रहे हैं। कि राजाओं का जहां अंतिम संस्कार किया जाता था, वहां पर उनकी याद में छतरियां बना दी जाती थी। कलात्मक होती थी, बहुत सुंदर होती थी, इसलिए वो अपने आप में अब एक टूरिस्ट पैलेस के रूप में सामने आ गई। तो हम वो छतरियां पढ़े। जैसे उदयपुर में एक जगह है आहड़, यहां पे मेवाड़ के राजाओं की छतरियां। मेवाड़ में जितने राजा हुए अमर सिंह फर्स्ट के बाद, उन सब की छतरियां आहड़ के अंदर बनी हुई। सबसे पहले यहां पे किसी की छतरी बनी थी तो अमर सिंह फर्स्ट की बनी थी। संभवतः हिस्ट्री में भी मैंने ये बात बताई थी। महाराणा प्रताप के जो बेटे थे अमर सिंह फर्स्ट, उनकी छतरी यहां पर बनाई गई थी। उनके बाद में जितने लोग थे उन सब की छतरियां यहां पर बनने लग गई थी। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अमर सिंह फर्स्ट के टाइम में उदयपुर राजधानी लेके आए थे। 1615 में मुगल मेवाड़ संधि होती है, और मुगल मेवाड़ संधि के बाद में राजधानी इधर शिफ्ट हो गई थी उदयपुर की तरफ, तो अपने आप में छतरियां इधर ही बनेगी। उससे पहले वाली जैसे प्रताप की मांडोली के अंदर है, जैसे उदय सिंह है तो उसकी गोगुंदा में बनी हुई है, सांगा है तो सांगा की मांडलगढ़ के अंदर बनी हुई है। तो अलग अलग जगह पे थी जहां उनके अंतिम संस्कार किए गए, वहां पर बना दी गई छतरियां। लेकिन आहड़ वाली छतरियां जो है, अमर सिंह फर्स्ट के बाद में जितने राजा बने उनकी छतरियां आहड़ के अंदर बनी हुई। इस जगह को महासतियां कहते हैं, नाम पड़ा इस स्थान का, महासतियां भी कहा जाता है। टूरिस्ट पैलेस है, लोग घूमने जाते हैं, छतरियों को देखने के लिए जाते हैं। अभी कौन सी बीच में एक मूवी आई थी, ईशान खट्टर की कोई मूवी थी क्या, धड़क धड़क जो मूवी है, उसका वो गीत है जो तेरे दिल तक जाती है सड़क वाला, ऐसा कोई गीत है। तो उस गीत की शूटिंग उन छतरियों के बीच में। तो मैं चाहूंगा कि आप उस मूवी का वो गीत देखें तो उन छतरियों को और देख पाएंगे आप। तो आहड़ में मेवाड़ के राजाओं की छतरियां हैं। यहां पर सबसे पहले अमर सिंह प्रथम की छतरी बनाई गई थी। इस स्थान को महासतियां भी कहा जाता है। ऐसी एक जगह गेटोर, यहां पे जयपुर के राजाओं की छतरी है। सवाई जयसिंह के बाद वाले जितने राजा हुए उन सब की छतरियां गेटोर के अंदर बनी हुई। एक राजा की नहीं है, ईश्वरी सिंह की छतरी यहां पर नहीं है। सुसाइड किया था आपने पढ़ते, तो ईश्वरी सिंह की छतरी यहां पर नहीं। तो साहब ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पर है बाद में, जब उनकी गेटोर के अंदर नहीं है तो उनकी कहां पर है? तो ईश्वरी सिंह वाली जो छतरी है वो जेनिवास गार्डन में। वो जेनिवास बाग के अंदर बनी हुई, इस सरलाट के पास में उधर जेनिवास बाग है तो उसके अंदर वो छतरी बनी हुई है। गेटोर में जयपुर के राजाओं की छतरियां हैं, सवाई जयसिंह के बाद वाले राजाओं की छतरियां बनी हुई है वहां पे, वहां से लेके सवाई जयसिंह से लेके, पर उनमें ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है, उनकी छतरी जेनिवास बाग के अंदर बनी हुई है। आहड़ में मेवाड़ के राजाओं की छतरियां हैं, इस जगह को महासतियां कहा जाता है। अमर सिंह प्रथम की छतरी यहां पर सबसे पहले बनाई गई थी। पंचकुंड मंडोर में एक जगह, वास्तव में सही पूछो तो पंचकुंड तो शमशान घाट का नाम है मंडोर में। अब मंडोर में है तो आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं है, जोधपुर के राजाओं की छतरियां। जोधपुर के राजाओं की छतरियां कहां पर स्थित है, तो पंचकुंड मंडोर में उन राजाओं की छतरियां स्थित है। जोधपुर के सामंतों की जो छतरियां है वो कागा में, ये जोधपुर के सामंतों की, राजाओं की पंचकुंड में, सामंतों की कागा में। जोधपुर के सामंतों की छतरियां, और इन सामंतों वाली छतरी में सबसे अच्छी छतरी कोई है तो राज सिंह कुंपावत की।
रासिन कुंपावत अशोक का सामंत था, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट का संरक्षक था। संभवतः पहले बात बताई होगी इसके बारे में। वरना आप बता दूं मैं कि जसवंत सिंह प्रथम का संरक्षक था रासिन कुंभौत असोप का। कहा जाता है कि जसवंत सिंह फर्स्ट बीमार हो गया एक बार बहुत ज्यादा। नीम हकीम डॉक्टर जितने बुलाने थे सब बुला लिए, बीमारी ठीक नहीं हो रही। तो क्या किया जाए? अब तो तांत्रिक बुलाया गया एक, और उस तांत्रिक ने कहा कि साहब राजा को ठीक करने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। ठीक है साहब, यज्ञ कर ले। यज्ञ में राजा को ठीक करने के लिए नर बलि देनी पड़ेगी, मनुष्य की बलि देनी पड़ेगी। मनुष्य की बलि दे देंगे, ऐसे नहीं कर, मनुष्य अपनी बलि के लिए खुद तैयार हो। यूं नहीं कि राजा किसी को पकड़ के ले आएगा, साहब इसकी बलि दे दो। खुद तैयार होना चाहिए, नर बलि उसी की चलेगी। कहा ठीक है, खुद तैयार हो जाएगा। कहा ना ना, आप कल को किसी कमजोर आदमी को लेके आ सकते हो, किला तेरे को इतने पैसे देंगे, घर सुख घर परिवार सुखी हो जाएगा तेरा, 10 पीढ़ियां ही सुखी हो जाएगी, और तू नर बलि दे दे। नहीं, कोई ऐसा कमजोर आदमी भी पकड़ के नहीं लाओगे, राजा के बराबर शक्तिशाली कोई आदमी हो, वो यदि अपनी मर्जी से सर कटवाने के लिए तैयार हो तो नरबली मानी जाए, वरना नरबली नहीं मानी जाए। कहा भाई अब कौन दे? राज सिंह कुंपाउत जो राजा का संरक्षक था, उसने सब मेरा गर्दन काटी जाए, राजा की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरे पर है, मैं अपनी नरबली देने के लिए तैयार हूं। तो राज सिंह कुंपाउत वह आदमी है जिसने जसवंत सिंह फर्स्ट के लिए अपनी बलि दिलवा दी थी। और कहा जाता है कि जसवंत सिंह फर्स्ट उसके बाद ठीक भी हो गया था। तब यदि राज सिंह कुंपाउत की छतरी अच्छी नहीं बनेगी तो किसकी छतरी अच्छी बनेगी? ये जो छतरी है राज सिंह कुंपाउत वाली छतरी, ये 18 खंभों की छतरी है, 18 पिलर्स है। पंचकुंड मंडोर में जोधपुर के राजाओं की छतरियां हैं, कागा में जोधपुर के सामंतों की छतरियां हैं, जिनमें सबसे अच्छी छतरी राज सिंह कुंपावत की है, जो अशोक के सामंत थे, जो 18 खंभों की छतरी है। और ये जसवंत सिंह फर्स्ट जो थे उसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसके संरक्षक हुआ करते थे, गार्जियन बनाए गए थे उसके। फिर जोधपुर में एक बहुत प्यारी छतरी है जसवंत थड़ा, मेहरानगढ़ किले के ठीक सामने एक छतरी बनी हुई है जसवंत थड़ा नाम से, जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की छतरी है। जसवंत सिंह सेकंड जिनकी कुछ बातें मैंने जब स्वामी दयानंद सरस्वती पढ़ाए थे तब मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। तो जसवंत थड़ा जसवंत सिंह सेकंड की छतरी है। इस छतरी का निर्माण इनके बेटे हुए थे सरदार सिंह, उन्होंने बनवाए थे, करवाया था। सरदार सिंह निर्माण करवाते हैं इसका। इस छतरी को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। वैसे मेरे कोई पूछे तो ताजमहल भी तो अपने आप में एक छतरी है। हिंदुओं में छतरी बोल दिया करते, मुसलमान उन्हीं को मकबरा बोल दिया करते। ताजमहल शाहजहां की रानी मुमताज महल का मकबरा ही तो अपने आप। जोधपुर में 3 बातें याद रखना। जोधपुर के राजाओं की छतरियां कहां पर है? तो पंचकुंड मंडोर में। जोधपुर के सामंतों की छतरियां कहां पर है? तो कागा में। यहां पे सबसे अच्छी छतरी किसकी है? तो राज सिंह कुंपावत की। कहां का था? तो अशोक का। कौन था? तो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट का गार्जियन था, प्रधानमंत्री था उसका। जसवंत सिंह सेकंड की छतरी कहां पर है? तो मेहरानगढ़ के ठीक सामने। उसका नाम क्या है? तो जसवंत थड़ा। किसने बनवाई? तो उनके बेटे सरदार सिंह ने। क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। याद रखना ये इतनी बातें। बीकानेर में एक जगह पड़ती है देवी कुंड। बीकानेर से बाहर निकलते एक गांव है सागर। कभी आप जयपुर से बीकानेर जाएंगे तो जब बीकानेर में घुसने वाले होते हैं तब एक पास में गांव आता है सागर नाम का गांव। वहां पे जोधपुर के राजाओं बीकानेर के राजाओं का शमशान घाट था, जिसको देवी कुंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बीकानेर के राजाओं की छतरियां। सबसे अच्छी छतरी यहां पर बनी हुई है तो वो बीकानेर वाले राजा कल्याणमल की। कल्याणमल वाली छतरी यहां पर अच्छी है। फिर 2-3 सिंपल बड़ा बाग की छतरियां हैं। ये जैसलमेर के राजाओं की छतरी है।
शारवाग की छत्रियां हैं, तो ये कोटा के राजाओं की छत्रियां, कैसर विलास बाग की छत्रियां हैं, ये बूंदी के राजाओं की छत्रियां। मुख्य मुख्य रियासतों के शमशान घाट है। आहड़ मेवाड़ के राजाओं की छत्रियां, पहली अमर सिंह फर्स्ट की महासतियां कहलाती। गैटोर सवाई जयसिंह के बाद वाले जयपुर के राजाओं की छत्रियां, ईश्वरी सिंह की नहीं है, उसकी जैनिवास बाग में है। पंचकुंड जोधपुर के राजाओं की छत्रियां, कागा जोधपुर के सामंतों की छत्रियां, अच्छी किसकी, राज सिंह कुंपावत की, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट का संरक्षक था, अशोक का था। 18 खंभों की छत्री है, जसवंतड़ा जसवंत सिंह सेकंड की छत्री, राजस्थान का ताजमहल कहलाता है, उनके बेटे सरदार सिंह ने निर्माण करवाया था। देवीकुंड सागर बीकानेर के राजाओं की छत्री है, बड़ा बाग जैसलमेर के राजाओं की छत्री है, क्षारबाग कोटा के राजाओं की छत्री है, कैसर विलास बाग बूंदी के राजाओं की छत्री है। थोड़ी और पढ़ लेते हैं, ये तो राजाओं की मुख्य मुख्य, नाथों की छत्री, नाथ संप्रदाय अपने पढ़ते हुए, जालौर में खूब नाथ संप्रदाय था, सिरे मंदिर बना हुआ है, जलंधर नाथ जी वहां रहते थे, तल्लीनाथ जी वहां चले गए थे, तो नाथों वाली जो छतरी है ये जालौर में। इन नाथों वाली छतरी पे सफेद तोता बना हुआ, ये याद रखना, कोई पूछ लेगा कि नाथों की छतरी पे कौन से पक्षी के चित्र बने हुए, तो तोते के चित्र बने हुए इन पर। पाली वालों की छतरी, जैसलमेर में बंजारों की छतरी, दौसा में एक जगह पड़ती है लाल सोठ, ये तीन याद रखना। नाथों की छतरी जालौर में है, तोता बना हुआ है उनपे, पाली वालों की छतरी जैसलमेर में है, बंजारों की छतरी लालसोट के अंदर, लालसोट दोसा के अंदर पड़ती है। तीन सीधे सीधे नाम याद रखें। एक अलवर में बहुत प्यारी छतरी है, मिस्र की, मिस्र जी की छतरी, गांव है नेहड़ा, वहां पर ये छतरी नेहड़ा, और इस छतरी पे भगवान विष्णु के 10 अवतारों के चित्र हैं। दस अवतारों का चित्रण किया गया है। कौन सी छतरी पे 10 अवतारों का चित्रण है, तो मिस्र जी की छतरी पे। मिस्र जी की छतरी कहां पर है, तो नेहड़ा अलवर के अंदर। गंगाबाई की छतरी है, भीलवाड़ा में जगह पड़ती है गंगापुर। ये गंगाबाई महाजी सिंधिया की पत्नी थे, महादजी सिंधिया की पत्नी थे, मेवाड़ के राजा के धर्मबाई नायक बने हुए थे, यहां पे आए हुए थे, यहीं पे डेथ हो गई, तो बाद में उनकी छतरी भी यहीं पर बनाई गई थी, गंगाबाई की छतरी यहां बनाई गई थी भीलवाड़ा में गंगापुर के अंदर। उनके नाम पर ही शहर का नाम गंगापुर, उनके नाम पर मंदिर था, गंगाबाई सा का मंदिर बनवाया था यहां पर। तो गंगाबाई की छतरी किसके, तो याद रखना भाई कि गंगापुर में भीलवाड़ा में महादजी सिंधिया की रानी थे। जोगीदास की छतरी, झुंझुनू में एक जगह पड़ती है उदयपुर वाटी, झुंझुनू इसके भी भित्ति चित्र बहुत अच्छा है। वैसे सकावटी अपने भित्ति चित्रों के लिए जानी जाए, जो मुरल पेंटिंग्स है भित्ति चित्र वो बहुत प्यारे हैं, और ये भित्ति चित्र को देवा नाम के चित्रकार ने बनाए। जोगीदास की छतरी के भित्ति चित्र देवा नाम के चित्रकार ने बनाए थे,
जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी नाम के स्थान पर स्थित है जो कि झुंझुनू के अंदर है। भीलवाड़ा की बात है तो भीलवाड़ा में एक 32 खंभों की छतरी है। भीलवाड़ा में मांडल नाम की एक जगह है। ये वास्तव में मुगल सेनापति की छतरी है। उस मुगल सेनापति का नाम है जगन्नाथ कछवाहा, तो यहां पे लड़ाई में मरा था। आपको याद आएगा कि सर जगन्नाथ कछवाहा तो वही है जो 1585 में प्रताप पर अकबर की तरफ से अंतिम मुगल आक्रमण करता है। जी हाँ, ये वही जगन्नाथ कछवाहा है जो मानसिंह के साथ हल्दीघाटी के युद्ध में भी आया था, जो 1585 में प्रताप पर आक्रमण करता है। ये अकबर की तरफ से प्रताप पर अंतिम आक्रमण था। ये 1608 के आसपास में अमर सिंह के टाइम में पुनः अटैक कर देता है, और उस अटैक के टाइम में अमर सिंह पूरी मुगल सेना को ही मार देता है। उस युद्ध के अंदर जितने सेनापति थे वो सारे मार दिए गए थे। तो मुगलों ने बाद में अपने सेनापतियों की छतरी यहां पर बनवाई थी, तो उनमें एक छतरी जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है जो कि 32 खंभों की है, तो 32 खंभों की छतरी कहा जाता है। मांडलगढ़ में तो सांगा की छतरी है, ध्यान रखना, और मांडल में ये 32 खंभों वाली छतरी जगन्नाथ कछवाहा की। 32 खंभों की कहने पर मुझे लगता है आपको एक छतरी और याद आनी चाहिए कि हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह के 32 साल शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण रणथंभौर में भी करवाया था, वो भी 32 खंभों की छतरी, ध्यान रखना, वो दो अलग अलग है। ये नंबर ऑफ पिलर्स आए तो मैं फिर एक कहूं, एक 84 खंभों की छतरी है, बहुत फेमस है। बूंदी के पास में एक गांव पड़ता है देवपुरा, वहां पर है। ये वास्तव में तो कोटा बूंदी नेशनल हाईवे जो अपना एनएच जो है कोटा बूंदी उस पर बना, जहां तक मुझे याद आता है 52 नंबर है ये, आजकल नंबर चेंज कर दिए, 52 नंबर होना चाहिए। कोटा बूंदी राजमार्ग जो है उस पर बनी हुई है। बूंदी में एक राजा हुए थे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध महल बताया था मैंने, उनकी नाथावत रानी ने, मैंने बताया था रानी जी की बावड़ी बनाई थी। उन अनिरुद्ध की दहाय माँ थे जैसी बाई, ये वास्तव में जैसी बाई की छतरी है। बूंदी के राजा अनिरुद्ध की दहाई माँ जैसी बाई की छतरी है। जैसे उदय सिंह की दहाई माँ थे पन्ना, जैसे अजीत सिंह की दहाई माँ थे गोरा, जैसे जगत सिंह की दहाई माँ थे नोजूबाई, वैसे अनिरुद्ध की जो दहाई माँ थे उनका नाम था जैसी बाई। और ये छतरी जैसी बाई के बेटे ने बनवाई थी, और जैसी बाई के बेटे का नाम था देवा। तो जैसी बाई का बेटा था देवा, उसने इस छतरी का निर्माण करवाया था। कौन से राजा के शासनकाल में? अनिरुद्ध के। थे कौन ये? तो अनिरुद्ध की दहाई माँ थे। जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई पन्ना दहाई थे, पन्ना दहाई के खुद के बेटे का नाम तो चंदन, और वो दहाई माँ किसके थे? तो दहाई माँ थे वो उदय सिंह। वैसे जैसी बाई के खुद के बेटे का नाम देवा, और दहाई माँ किसके थे? तो अनिरुद्ध के। तो अब अनिरुद्ध और देवा भी तो आपस में एक तरीके से भाई हो गए, पालने वाली माँ तो एक ही है। ठीक है भाई, पिता दोनों के अलग अलग है, पर वो एक ही महिला तो पालन पोषण कर रही है उनका। इसलिए राजाओं के वे भाई जो दहाई माँ के बेटे हुआ करते थे उनको दहाई भाई बोलते। कि दहाई भाई है तो अनिरुद्ध और देवा अवसर में, अनिरुद्ध का देवा क्या लगता है? तो दहाई भाई लगता है। तो कई बार आप बुक में देख लेते हैं कि इस छतरी का निर्माण दहाई भाई ने करवाया था। तो वास्तव में वो जो दहाई भाई है उनका नाम देवा है, वो अपनी मम्मी जैसी बाई की याद में इस छतरी का निर्माण करवा रहे हैं। जैसी बाई कौन है? तो जैसी बाई बूंदी के राजा अनिरुद्ध दो हैं, उनकी दहाई माँ है। बस इतनी सी बात याद रखने वाली थी। एनएच याद रखना, शायद तक मुझे याद आता 52 है, और देख लेना आप, पहले ये 12 नंबर हुआ करता था और अब शायद चेंज करके 52 कर दिया गया इसको। बाकी आप चेक करना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि ये छतरी कौन से एनएच पर स्थित है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता, वो क्वेश्चन बड़ा मस्त था। क्वेश्चन था कि आप इस समय राजस्थान के एक राजमार्ग से होकर गुजर रहे हैं, आपको अपने बस की खिड़की के राइट साइड के अंदर एक 84 खंभों की छतरी दिखाई देती है। अब आप बताइए कि आप कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर गुजर रहे हैं। पहले तो ये पता हो कि 84 खंभों की छतरी कहां पर है,
फिर ये पता होगी उसके पास एनएच कौन सा गुजरता है, फिर ये पता होगी उसका एनएच का नंबर क्या है, वगैरह, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, बंदे ने समेट के रख दी पूरी तरीके से। ऐसे क्वेश्चन बनाए और ऐसे क्वेश्चन किया जाए तो मजा आ जाए। अपने में चार बातें और बता दी मैंने इसको कि जैसी भाई की छतरी है, देवा ने बनवाई थी, ढाई का बेटा था इसलिए ढाई भाई है अपने आप में। तो ये भाई अपने मुख्य मुख्य सी छतरियां, कुछ छतरियां मैंने आपको बीच बीच में पढ़ा दी थी जहां तक मुझे याद आता है। जैसे मैं कहूं कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी कहां पर है, आपको होगी सर कुंभलगढ़ में और बारह खंभों की। संगा की छतरी कहां पर है, तो मांडलगढ़। उदय सिंह की छतरी कहां पर है, गोगुंदा। प्रताप की छतरी कहां पर है, बांडोली। कितने खंभों की, आपको आठ खंभों की। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां पर है, नागौर। कितने खंभों की, सोलह खंभों की। गोरा दहाई की छतरी कहां पर है, जोधपुर। बाघ सिंह जो सेकंड साके के अंदर लड़ता हुआ मारा गया था चित्तौड़ की, उसकी छतरी कहां पर है, चित्तौड़ किले के फांडू पोल पर। जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरी कहां पर है, चित्तौड़ किले के हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच। पत्ता चुंडाउत की छतरी कहां पर है, चित्तौड़ कोल के राम पोल। मीराबाई के गुरु रिदास जी थे, उनकी छतरी कहां पर है, उनकी छतरी भी चित्तौड़ के अंदर। अस्सी खंभों की छतरी कहां पर है, आपको भी सर अलवर में। इसको मुसी महारानी की छतरी भी कहते हैं। मुसी महारानी कौन थे, तो अलवर के राजा बख्तावर सिंह की दासी थे। ये बनवाया किसने, तो विनय सिंह ने बनवाया। चित्र किसके बने हुए, तो रामायण और महाभारत के चित्र बने हुए इसके ऊपर। ऐसी चेतक की छतरी कहां पर है, बलीचा। ऐसी खूब सारी छतरियों की बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, जो बच गई थी इनके अलावा एक्स्ट्रा वो मैंने आपको पढ़ा थी। मैं एक बार ये भी वापस बोल दू, आहड़ मेवाड़ के राजाओं की छतरियां अमर सिंह फर्स्ट की सबसे पहले बनाई गई थी, महासतियां हैं। गेटोर सवाई जयसिंह से लेकर जयपुर के राजाओं की छतरियां, ईश्वरी सिंह की नहीं है, उनकी जयनिवास बाग में है। पंचकुंड मंडोर जोधपुर के राजाओं की छतरियां, कागा जोधपुर के सामंतों की छतरियां, राज सिंह कुंपावत वाली सबसे अच्छी है, जो जसवंत सिंह प्रथम के संरक्षक थे, आसोप के सामंत थे, अठारह खंभों की छतरी है। जसवंतथड़ा जसवंत सिंह सेकंड की छतरी है, राजस्थान का ताजमहल कहलाता है, जोधपुर में उनके बेटे सरदार सिंह ने निर्माण करवाया था। देवीकुंड सागर बीकानेर, बड़ा बाग जैसलमेर, श्यार बाग कोटा, केसर विलास बाग बूंदी। नाथों की छतरी जालोर तोता बना हुआ है, पाली वालों की छतरी जैसलमेर, बंजारों की छतरी लालसोट, मिश्र जी की छतरी नेहड़ा अलवर, दस अवतारों के चित्र है। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू, देवानाम के चित्रकार ने चित्र बनाए। गंगा बाई की छतरी गंगापुर बिलवाड़ा, महादजी सिंधिया की रानी थी। बत्तीस खंभों की छतरी मांडल बिलवाड़ा, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी। चौरासी खंभों की छतरी अनिरुद्ध के टाइम में उनके दहाय भाई देवा ने अपनी मम्मी जैसी बाई की याद में देवपुरा बूंदी में इस छतरी का निर्माण करवाया, जो कोटा बूंदी हाईवे के ऊपर स्थित है। एक और याद आती है मुझे, गोपाल पाल की छतरी करौली, करौली का राजा था गोपाल पाल। तो गोपाल पाल की छतरी भी कहां पर होगी, तो करौली के अंदर होगी। ये भाई जो मुख्य मुख्य से छतरियां थी आपको वो मैंने बता दी कि आपने इंपॉर्टेंट छतरियां कौन कौन सी। प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो आप ध्यान रखें थोड़ा सा इन चीजों का। महल और हवेलियों की बात कर लेते हैं। एक एक जगह के ले लेते हैं, पहले लिए जैसलमेर। जैसलमेर में पटुओं की हवेली है, पटुओं की हवेली है। किसी टाइम में आरपीसी का पेटेंट क्वेश्चन था, पटुओं की हवेली कहां स्थित है, जैसलमेर। एक बार उन्होंने पूछा कि पटुओं की हवेली जैसलमेर में स्थित है, ये किसने बनवाई थी, तो स्टूडेंट ने याद किया, अच्छा ये भी फैक्ट है क्या अपने आप में, तो पता चला है गुमान चंद बाफना ने बनवाई थी। फिर आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा, पटुओं की हवेली जैसलमेर में है जो गुमान चंद बाफना द्वारा बनवाई गई थी, ये यहां पर कितनी हवेलियां बनी हुई है, तब पता चला कि यहां पर पांच हवेलियां, ये कॉम्प्लेक्स है पांच हवेलियों। पांच हवेलियों का समूह है,
तो पटवों की हवेली गुमानचंद बाफना ने बनवाई, 5 हवेलियां बनी हुई है यहाँ पर। एक प्रधानमंत्री हुए थे सालिम सिंह, सालिम सिंह की हवेली, जहां तक मुझे याद आता है, मैंने हिस्ट्री पढ़ाई तब सालिम सिंह के बारे में और बताया था कि इस बंदे का नाम सालिम सिंह था, बाकी बंदा बड़ा जालिम था। इसके आतंक से पाली वालों ने अपने 84 गांव एक साथ खाली किए थे। अभी हम पढ़ रहे थे पाली वालों की छतरियां जैसलमेर में, वो पाली वाल 84 गांव खाली कर गए थे, जिनमें एक तो बड़ा मुख्य गांव था कुलधरा, उसकी भी हवेलियां या छतरियां जो है वो, सॉरी हवेलियां हैं जो बहुत फेमस है। तो सालिम सिंह की हवेली, कहा जाता सालिम सिंह की हवेली 9 मंजिल की थी, हालांकि बाद में 2 मंजिलें उतार दी गई ऊपर वाली, तो 7 मंजिल की पड़ी रही वो। तो याद रहेगी सालिम सिंह की हवेली भी कहां है, तो जैसलमेर के अंदर। एक नथमल की हवेली है, नथमल की हवेली के 2 वास्तुकार थे, एक का नाम था हाथी और एक का नाम था लालू। तो नथमल की हवेली के वास्तुकार कौन कौन थे, तो हाथी और लालू थे। और कहते हैं 2 भाई थे, दोनों ने अलग अलग हवेलियां बनाई थी, लेकिन उसके बाद जो डिट्टू सेम है, दोनों ने एक दूसरे की देखी नहीं थी, फिर भी एक जैसी सेम है, इसलिए याद किया जाता भाई कि नथमल की हवेली के वास्तुकार कौन थे। तो याद रखना कि हाथी और लालू इनके वास्तुकार थे। पटवों की हवेली गुमानचंद बाफना ने बनवाई, 5 हवेलियों का समूह है। सालिम सिंह की हवेली 9 मंजिला हवेली थी, जिसके 2 मंजिल ऊपर से उतार दी गई है। नथमल की हवेली के वास्तुकार हाथी और लालू थे। सालिम सिंह के डर से एक गांव खाली हुआ था कुलधरा, जैसलमेर में गांव है पालीवाल ब्राह्मणों का, यहाँ की हवेलियां बहुत अच्छी। कोई पूछे कि कुलधरा की हवेलियां कहाँ है, जैसलमेर के अंदर महल है सर्वोत्तम विलास, सर्वोत्तम विलास महल, महल का नाम है जवाहर विलास में महल। मंदिर पैलेस, मंदिर पैलेस वाला थोड़ा दिमाग के अंदर रखना, अभी खूब चर्चाओं के अंदर था। प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने शोक संदेश भेजे थे जैसलमेर महारावल की मृत्यु पर, तो वो सब में एड्रेस मंदिर पैलेस आ रहा था। आरपीसी वाले कोई उधर से उठा के पूछ लेगी मंदिर पैलेस कहां पर बना हुआ है, तो कहां पर बना हुआ है, तो जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। मुख्य मुख्य चीजें याद रखना, पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, कुलधरा की हवेलियां, पालीवाल ब्राह्मणों ने 84 गांव खाली किए थे, उनमें सबसे मुख्य गांव कुलधरा था, सर्वोत्तम विलास पैलेस, जवाहर विलास महल या जवाहर विलास पैलेस भी कहते हैं, मंदिर पैलेस, ये मुख्य मुख्य कहां की हवेलियां, तो जैसलमेर की हवेलियां या महल है वहां के। और ले लेते जोधपुर, पोकरण के सामंत ने हवेली बनाई, तो पोकरण हवेली, मतलब पोकरण के सामंत की हवेली जैसल जोधपुर में थी। पोकरण का सामंत जब जोधपुर आता था यहां पे रुकता था, एक गांव पर था राखी, तो राखी के सामंत ने हवेली बनाई जोधपुर में, तो उसका नाम हो गया राखी हवेली। मतलब पोकरण हवेली पोकरण में नहीं है, जोधपुर के अंदर, पोकरण का सामंत जब भी आता जोधपुर में तो वहां रुकता होगा, राखी का सामंत वहां पर आता होगा तो वहां पर रुकता होगा, राखी गांव का नाम। जैसे आप कभी यदि दिल्ली जाएंगे तो वोल्वो में जाते हैं, तो बस स्टैंड पे जब वोल्वो उतारती है तो बाहर लिखा हुआ बीकानेर हाउस, अपने को लगता है बीकानेर हाउस क्या है, इसका मतलब बीकानेर के राजा की प्रॉपर्टी है, बाद में भारत सरकार को दे दी गई, भारत सरकार ने बस स्टैंड खोल लिया। पर जब अंग्रेजों के टाइम में बीकानेर का राजा कभी आता होगा तो यहाँ पे रुकता होगा। यूपीएससी का कभी एड्रेस देखना, धौलपुर हाउस, इसका मतलब धौलपुर के राजा की प्रॉपर्टी है, धौलपुर का राजा अंग्रेजों के टाइम में कभी दिल्ली जाता होगा तो धौलपुर हाउस में रुकता होगा। तो पोकरण हवेली, राखी हवेली से जोधपुर के अंदर बनी हुई। एक है पुष्य हवेली, कहते पुष्य नक्षत्र में बनाई गई, शुभ नक्षत्र होता है, एक ही नक्षत्र में बना के खड़ी कर दी गई, इसलिए नाम पड़ गया पुष्य हवेली। एक मैं अक्सर क्लास में हंसता रहता हूँ, अमिताभ बच्चन की हवेली बनी हुई है यहाँ पे, बड़े मियाँ की हवेली है।
तो बड़े मियाँ की हवेली भी यहाँ पर है, पोकरण हवेली है, राखी हवेली है, पुस्से हवेली है, बड़े मियाँ की हवेली है, थोड़े महल है। ए बी सी हजाम में डायरेक्ट ई अपन चला गया, सी डी। एक महल है, एक खंबा महल, या इसको प्रहरी मीनार भी बोलते हैं। एक ही पिलर पे टिका हुआ है तो एक खंबा महल बोलने लगे। अजीत सिंह ने बनवाया था। अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। एक अजीत भवन पैलेस, और ये जो अजीत भवन पैलेस है ये अपने राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। फर्स्ट हेरिटेज होटल ऑफ राजस्थान कोई है तो अजीत भवन पैलेस है, जहां तक मुझे याद आता 92 के आसपास या 93 होगा, चेक कर लेना आप। राजस्थान सरकार ने एक योजना चलाई थी, हेरिटेज योजना, पुरानी जितनी भी इमारतें वगैरह थी उनका जीर्णोद्धार वगैरह करवाया गया था। उनके मालिकों को कहा गया कि यार तुम जीर्णोद्धार कराओ, कुछ पैसे हम देंगे, कुछ पैसे आप लगाओ, ताकि इनको टूरिस्ट पैलेस के रूप में डेवलप किया जा सके। तो उनमें सबसे पहले कोई हेरिटेज घोषित किया गया था तो अजीत भवन पैलेस होटल बना ली बाद में, इनकी सरकार को रेवेन्यू मिलता है। एक बिजुलाई के महल है, जोधपुर के पास में जगह पड़ती है बिजुलाई, उस वहां महल बने हुए, तो नाम पड़ गया बिजुलाई के महल। कहा जाता है कि स्वीडन की महारानी एक बार जोधपुर आई थी, अभी हालिया 21 वर्षों में, तब उसको बिजुलाई के महलों में ठहराया गया था। जोधपुर के जो रॉयल फैमिली के मेंबर है, जो महाराजा है, वो एक फाउंडेशन चलाते हैं, जल भागीरथी फाउंडेशन, वाटर रिसोर्सेज, जो ट्रेडिशनल सोर्सेज है अपने वाटर रिसोर्सेज के, उनके जीर्णोद्धार के लिए वो फाउंडेशन वगैरह काम करता है। तो उसको देखने के लिए स्वीडन की महारानी आई थी, तब उनको यहां पे बिजुलाई के महलों में रुकवाया गया था। तो खूब चर्चाओं में रहे थे बिजुलाई के महल। एक और जोधपुर की रॉयल फैमिली जिन महलों के अंदर रहती है, उमेद पैलेस, उमेद सिंह ने बनवाया इसलिए उमेद पैलेस, चित्र के पत्थर से बना हुआ है इसलिए चित्र पैलेस। एक तो कहते हैं कि यहां पर अकाल पड़ गया था तो लोगों को अकाल में रोजगार देने के लिए, जिस प्रकार राज सिंह जी ने राजसमंद झील बनवाई थी, उसी प्रकार उमेद सिंह ने जोधपुर में उमेद पैलेस या चित्र पैलेस का निर्माण करवाया था। तो उमेद सिंह द्वारा बनाया गया है, चित्र के पत्थर का बनाया गया है इसलिए चित्र पैलेस भी कहते हैं। अकाल राहत कार्यो में बनाया गया था, फरमाइन चलाया था। हम कहते हैं भारत का सबसे बड़ा आवासीय महल है, इतना बड़ा और महल किसी राजा के पास नहीं जिसके अंदर वो रहता हो अभी भी, या किसी बंदे के पास नहीं जिसमें वो रहता हो, कि भारत का सबसे बड़ा आवासीय महल, लिविंग पैलेस यदि कोई है, रेजिडेंशियल पैलेस कोई है, तो वो कौन सा आपके उमेद पैलेस है, चित्र पैलेस है जोधपुर के अंदर। पोकरण हवेली है, राखी हवेली है, पुस्से हवेली है कि पुस्से नक्षत्र में बना दी गई, बड़े मियाँ की हवेली है, एक खंबा महल है जो अजीत सिंह ने बनाया था, प्रहरी मीनार भी कहलाता है, अजीत भवन पैलेस है, बिजुलाई के महल है, उमेद पैलेस है, अकाल राहत कार्यों में बनाया गया था इसे, भारत का सबसे बड़ा आवासीय महल है। उदयपुर, उदयपुर के कुछ महल मेरे पढ़ाई में है आप, जैसे उदयपुर वाले महलों में मैंने आपको एक बताया होगा कि यहां पर कर्ण विलास और दिलखुश महल है, जग मंदिर है, जगत निवास है, जो पढ़े हुए मैं लिख तो देता हूं, एक बार नाम लिख देता हूं, कर्ण विलास, दिलखुश, जग मंदिर, जगत निवास, बताया मैं सब, कर्ण विलास दिलखुश कर्ण सिंह ने बनवाए थे, जग मंदिर
कर्ण सिंह ने शुरू करवाया था, जगत सिंह फर्स्ट ने पूरा करवाया था, जगत निवास जगत सिंह सेकंड ने बनवाया था। पनेड़ा महल, जहां तक मुझे याद आता है, मैंने बताया था कि उदय सिंह ने जब उदयपुर बसाना शुरू किया था उसमें सबसे पहले कोई महल बनाए गए थे तो पनेड़ा महल थे, और यहां पर बाद में राजाओं का राजतिलक किया जाता था, तो मेवाड़ वालों का राजतिलक यदि किसी जगह पे किया जाता तो पनेड़ा महल था। उदय सिंह जी ने एक महल और बनवाए थे, मोती मगरी के महल, वो भी उदय सिंह जी ने बनवाए थे। जगत सिंह सेकंड ने एक, ये तो बनवाया था आपका जगत निवास तो बनवाया था, जगत सिंह सेकंड ने एक बनवाया था प्रीतम निवास महल। तो कर्ण विलास और दिलखुश कर्ण सिंह ने, जग मंदिर कर्ण सिंह ने शुरू किया, जगत सिंह फर्स्ट ने पूरा किया, जगत निवास जगत सिंह सेकंड ने, प्रीतम निवास जगत सिंह सेकंड ने, पनेड़ा महल उदय सिंह ने, उदयपुर में सबसे पहले यही महल बनाए गए थे और यहां पर राजाओं का राजतिलक किया जाता था। मैंने बताया था पहले राजधानी आहड़ बनाने वाले थे, आहड़ में मोती महल बना भी लिए थे, लेकिन बाद में राजधानी उदयपुर लाई गई, उदयपुर नया शहर बसाया गया, यहाँ पे पनेड़ा महल बनाया गया जहां पर मेवाड़ के राजाओं का राजतिलक करते थे। मोती मगरी के महल भी उदय सिंह जी ने बनवाए थे, प्रीतम निवास मैंने बताई दिए। एक हवेली है बागोर हवेली, बागोर भीलवाड़ा में जगह, बागोर वालों की हवेली थी, बागोर हवेली होगी। एक बड़े मंत्री हुए थे मेवाड़ में, अमरचंद बड़वा, उन अमरचंद बड़वा की देखरेख में इसका निर्माण करवाया गया था। तो बागोर हवेली उदयपुर में है, अमरचंद बड़वा प्रधानमंत्री हुए थे, याद रखना, को यह भी पूछ लेगा अमरचंद बड़वा कौन सी रियासत से संबंधित थे, तो उदयपुर रियासत से या मेवाड़ रियासत से संबंधित थे। और बागोर हवेली, ये बागोर हवेली अब तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र है, वेस्टर्न जोन का, पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र है इंडिया का, जो वेस्टर्न जोन है इसका कल्चरल सेंटर इसमें बागोर हवेली में बनाया हुआ। अच्छा, वेस्टर्न जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा की संस्कृति से संबंधित कोई चीजें हैं तो वो यहां पर रखी हुई है। हम अक्सर ऐसा पढ़ते हैं कि यहां पर विश्व की सबसे लंबी पगड़ी है, टर्बन, लॉन्गेस्ट टर्बन यदि कहीं पर पड़ी है तो वो यहां पर है। फिर मुझे लगता है कि यार पगड़ियां अपने अलावा तो बांधता ही कौन था। ये उदयपुर में भैया कर्ण विलास दिलखुश कर्ण सिंह, जग मंदिर जगत सिंह फर्स्ट, सॉरी हाँ जगत सिंह फर्स्ट कर्ण सिंह ने शुरू कर दिया था, जगत निवास जगत सिंह सेकंड, पनेड़ा महल मोती मगरी के महल उदय सिंह, प्रथम निवास महल जगत सिंह सेकंड, बागोर हवेली अमरचंद बड़वा की देखरेख में, पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र है, पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा आते हैं, यहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। कोटा, एक मेरा पढ़ाया हुआ आपको गुलाब महल, कि जैत्र सिंह ने यहां पर गुलाब महल का निर्माण करवाया था, अभी किले पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था। एक और बताया कि मुकुंद सिंह ने यहां पर अबली मिनी का महल बनवाया था। एक कोटा वाले राजाओं की शिकार गाह थी अभेड़ा महल, शिकार विकार खेलने के लिए अभेड़ा महल जाया करते थे। एक कोटा में भी हवा महल है, एक जयपुर में हवा महल है, जयपुर वाला हवा महल था, ये तो बनवाया था आपके प्रताप सिंह ने। कोटा वाला हवा महल है, ये कोटा में राजा हुए थे राम सिंह सेकंड, उन्होंने बनवाया था। एक जग मंदिर उदयपुर में है, एक जग मंदिर कोटा में भी है। ऐसा कहा जाता है कि कोटा में राजा हुए थे दुर्जन साल, उरडा सम्मेलन वाले, याद आ गए होंगे आप। उनकी रानी थी एक ब्रज कंवरी, ब्रज कंवर मेवाड़ की राजकुमारी थी, और इसने कहा कि भाई हमारे उदयपुर में जग मंदिर है झील के बीचों बीच और बहुत सुंदर है, वैसा वैसा महल बनवा के। तो राजा ने कोटा में भी लेक पैलेस बनवाया, झील बनवाई, कृत्रिम झील बनाई गई थी किशोर सागर,
किशोर सागर झील या किशोर सागर तालाब में स्थित है। तो उदयपुर वाला जग मंदिर पिछोला में स्थित है, कर्ण सिंह ने शुरू करवाया, जगत सिंह ने पूरा करवाया। कोटा वाला जो जग मंदिर है वो किशोर सागर में स्थित है, कोटा के राजा दुर्जन छाल ने अपनी रानी ब्रज कंवर के लिए इसका निर्माण करवाया था। और ये जो है आपके भाई वो जग मंदिर की तर्ज पे बनाया गया, ब्रज कंवर जो थे उदयपुर के थे, इसलिए उदयपुर वाले जग मंदिर जैसा कि जैसा ये बनाया गया था। चार पांच ही बात, गुलाब महल, अबलीमिणी का महल, अभेड़ा महल याद रखना, शिकारगाह थी, हवा महल जयपुर में भी है, कोटा में भी है, जग मंदिर उदयपुर में भी है, कोटा में भी। बीकानेर में जूनागढ़ है, डूंगरपुर में जूना महल है, जोधपुर में एक खंबा महल है, डूंगरपुर में एक थंबिया महल है। दो याद रखना सीधे सीधे से, जूना महल और एक थंबिया महल, ये कहां पर बने हुए, तो डूंगरपुर के अंदर बने हुए। बीकानेर ले लेते, गंगा सिंह जी ने एक पिताजी अपने लाल सिंह के आदमी एक बनाया था लालगढ़ पैलेस, एक गजनेर पैलेस, गजनेर गांव पड़ता है तो वहां पे गजनेर पैलेस बना हुआ। लक्ष्मी निवास पैलेस, हवेलियां खूब प्यारी प्यारी बाणियों की हवेलियां हैं, रामपुरिया हवेली, सुंदर सी हरे हरे कांच है, बहुत अच्छी सी है, मुंदड़ा हवेली, मोहता हवेली, बीकानेर में लालगढ़ पैलेस है, गजनेर पैलेस है, लक्ष्मी निवास पैलेस है, रामपुरिया हवेली है, मुंदड़ा हवेली है, मोहता हवेली है, एक और याद आती है मुझे, बच्छावतों की हवेली। बच्छावतों की हवेली है। तो डूंगरपुर में तो जूना महल और एक थंबिया महल है, बीकानेर में लालगढ़ पैलेस है, गजनेर पैलेस है, लक्ष्मी निवास पैलेस है, रामपुरिया हवेली, मुंदड़ा हवेली, मोहता हवेली और बच्छावतों की हवेली है। जयपुर ले लेते, कुछ चीजें फिर बताई भी आपको, चंद्र महल, मुबारक महल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल, ये सारे बताए मैं आपको, मैं दो अलग से नाम बताने चाहूंगा आपको। बड़े मियाँ की हवेली है जोधपुर में, प्यारे मियाँ की हवेली है जयपुर में। कि बड़े मियाँ की हवेली कहां पर बनी हुई है, जोधपुर, प्यारे मियाँ की हवेली कहां पर बनी हुई है, तो जयपुर। जैसलमेर में हवेली है सलीम सिंह की हवेली, जयपुर में सलीम मंजिल हवेली, बहुत प्यारी बनी हुई है। चार पांच साल पहले जर्मन एक दल आया था देखने के लिए, खूब तारीफें करके गया था इसकी, सलीम मंजिल हवेली। पास में गांव पड़ता है सामोद, सामोद वालों का पैलेस है, वो बहुत अच्छा है। जयपुर के पास में गांव पड़ता है नाइला, नाइला का जो फोर्ट है वो बहुत अच्छा है। नाइला फोर्ट इसलिए भी चर्चाओं में रहा था कि 2000 ईस्वी में जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने यात्रा की थी भारत की, तो वो राजस्थान आए थे, और राजस्थान आए तो नाइला गए थे, साथ में उनकी बेटी गई थी चेल्सी, इसलिए नाइला में खूब सारे लोगों ने अपने बच्चियों के नाम रख लिए थे चेल्सी। नाइला फोर्ट याद रखना भाई, कि नाइला फोर्ट कहां पर है, तो जयपुर में नाइला गांव है, सामोद पैलेस है, सलीम मंजिल हवेली है, और प्यारे मियां की हवेली। ये सारी की सारी हवेलियां कहां पर है, तो ये सारी की सारी हवेलियां जयपुर में। एक टोंक में एक चीज याद रखने वाली है, एक सुनहरी कोठी, वैसे तो टोंक में एक मुबारक महल और बना हुआ है, एक जयपुर में भी मुबारक महल, एक टोंक में भी है, पर ये सुनहरी कोट ज्यादा फेमस है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो याद रखें। अलवर पढ़ लेते हैं,
विनय सिंह नाम के एक राजा हुए थे, तो विनय विलास पैलेस। विनय विलास पैलेस। अब बाद में जिसमें रॉयल फैमिली रहती थी वो है फूलबाग पैलेस। फूलबाग पैलेस है, एक कैसरोली पैलेस है। एक हवा बंगला है, और ये हवा बंगला अलवर में एक जगह पड़ती है तिजारा। वहां पर हवा महल जयपुर और कोटा, हवा मंदिर सोमू, हवा बंगला तिजारा अलवर, ये थोड़ी सी याद रखना। भरतपुर में एक जगह डीग, हम पढ़ते हैं जल महलों की नगरी, दो महल याद रखना यहाँ, ये तो सावन भादो महल है, याद करें सावन भादो की मूर्तियां चलगढ़ के किले में, जो कि कुंभा और उनके बेटे उद्दा की, सॉरी सावन भादो महल की महल नहीं, और एक है गोपाल महल। मुख्य मुख्य जो बड़े बड़े जगह पर अपने महल बने हुए हो, पर जब हवेलियों की बात की जाए और सखावटी को याद ना किया जाए तो अन्याय है अपने आप में। सखावटी में दो तीन चीजें बतानी चाहूं कि पहली बात तो सखावटी अपनी हवेलियों के लिए फेमस है। सखावटी की हवेलियां जो है वो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध, इसलिए सखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। यार आर्ट तो बाहर ही पड़ी है वहां की, ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। सखावटी अपनी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, बाहर दीवारों पे सुंदर सुंदर भित्ति चित्र बनाए हुए, तो नाम ही पड़ गया ओपन आर्ट गैलरी। झुंझुनू में गांव पड़ता है महनसर, मुझे लगता है आपने किसी अन्य कारणों से भी मैनसर का नाम सुना होगा, पर यहां पर एक बहुत अच्छा सी हवेली है, तोड़ाराम जी का कमरा, तोड़ाराम जी कमरे के लिए कहते हैं, उसमें बहुत अच्छा सोने चांदी का काम हो रखा है, तो सोने चांदी की दुकान भी कहते हैं। सोने चांदी की दुकान है। फिर झुंझुनू में एक जगह पड़ती नवलगढ़, नवलगढ़ की हवेलियां बहुत फेमस है, स्वर्ण नगरी है, सखावटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है नवलगढ़। सखावटी की स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध कौन सी हवेली यहां पर, भक्तों की हवेली। बाणी थे छोड़ छोड़ के चले गए अब तो, पोदार हवेली। जालान हवेली, खूब सारी हवेलियां ऐसी, और भी कई नाम है। एक ऐसी जगह और मंडावा, गोइन का हवेली, मैं कहूं प्रॉपर झुंझुनू, खेतड़ी महल, खेतड़ी महल खेतड़ी में नहीं है झुंझुनू में, भोपाल सिंह नाम के खेतड़ी के सामंत हुआ करते थे, उन्होंने झुंझुनू में खेतड़ी महल का निर्माण करवाया। सखावटी का हवा महल है, सखावटी का हवा महल किसे कहा जाता है, तो खेतड़ी महल को। ईसरदास मोदी की हवेली है, सेठ हुए होंगे कोई, वैसे सारे के सारे सेठ सखावटी के जो थे। टिबड़े वाला की हवेली,
मैंडसर में तोड़ाराम जी का कमरा, इसे सोनो चांदी की दुकान कहते हैं। नावलगढ़ को शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। भक्तों की हवेली, पोदार हवेली, जालान हवेली, मंडावा में गोयनका हवेली, झुंझुनू में खेतड़ी महल, इसरदास मोदी की हवेली, टिबड़े वाला की हवेली। सिक्कर में एक जगह पड़ती है श्री माधोपुर, वहां पर एक हवेली बनी हुई पंसारी। पंसारी हवेली चूरू के अंदर दो तीन हवेलियां, एक है माल जी का कमरा, एक है मंत्रियों की हवेली। एक है सुराणा हवेली। माल जी का कमरा, मंत्रियों की हवेली, सुराणा हवेली, ये भाई आपकी शेखावटी वाली बड़ी बड़ी सी जो हवेलियां थी। शेखावटी वाली थोड़ी ज्यादा है, शेखावटी की हवेलियां प्रसिद्ध है, हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है, इसलिए शेखावटी को हम ओपन आर्ट गैलरी बोलने लग गए। और भी कई आपके दिमाग में भी आ सकती है, आप भी कहीं पढ़ सकते हैं वो और जोड़ना इनके अंदर। मुख्य मुख्य राजस्थान की हवेलियां, महल और जो छत्रियां थी वो हमने और पढ़ ली। ये स्थापत्य कला का ये वाला जो महल, हवेलियां, छत्रियां वाला पोर्शन था, ये खत्म होता है। कल हम एक नई कला शुरू करेंगे, चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।